हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसको CKD भी कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके कॉज, उसके सिम्टम्स और कैसे हम अपने आप को इस बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आप ये मेरा वीडियो पूरा देखें और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, किडनी हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी बॉडी में दो किडनी होते हैं और इनका जो फंक्शन है वो जो हमारे ब्लड में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितना हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको फ़िल्टर करना, ये हमारे बॉडी के फ़िल्टर हैं। क्योंकि जितनी भी गंदगी हमारी बॉडी में होती है, हमारे ब्लड में होती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी का, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो ब्लड में मिक्स होता है और जब ये ब्लड किडनी से पास होता है तो ये किडनी जो है उस जितने भी गंदगी होती है उसको छान देती है और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। और अगर ये किडनी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगी तो ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव नहीं होगा और जब ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो जब ये हमारे और ऑर्गन्स में पहुँचेगा, टिश्यूज़ में पहुँचेगा, सेल्स में पहुँचेगा तो ये सभी ऑर्गन्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा और अल्टीमेटली जो है उस इंसान की जो है डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपनी किडनी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD जो है एक लास्टिंग डैमेज होती है किडनीज की, जब किडनी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती और धीरे धीरे इसमें शुरू में हमें पता नहीं चलता और धीरे धीरे जब लास्ट में इसको पता चलता है तो वो लास्ट स्टेज होती है हमारी किडनीज की और वो टाइम के साथ और भी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो वर्स होती चली जाती है। और अगर ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा और बढ़ जाती है, ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारी जो किडनी है बिल्कुल जो है काम करना बंद कर देती हैं और इसी को किडनी फेलियर कहते हैं या दूसरा जो नाम है इसका वो है एंड स्टेज रीनल डिजीज़, ESRD भी इसको कहा जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़, जिसमें जो है किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है और जिसको हम कहते हैं, जनरली हम कहते हैं कि किडनी फेल हो जाना। अगर दोनों ही किडनी अगर डैमेज हो गई या उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो उसमें जो है डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, यही उसमें एक ऑप्शन बचता है। या तो आप डायलिसिस कराएं अपना जो है हर महीने या 15 दिन के बाद जो है अपने ब्लड को फिल्टर कराना पड़ता है डायलिसिस में एक मशीन के थ्रू, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट आप जो है किसी दूसरे इंसान से किडनी लेकर अपने बॉडी में उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन दोनों ही प्रोसेस जो है बहुत ही पेनफुल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए हमें इस तरह का वो करना चाहिए कि इस तरह की हमारी कंडीशन ही नहीं हो, इस तरह की हम सिचुएशन ही पैदा ना हो जिससे जो है हमारी किडनी जो है डैमेज हो या हमारी किडनी जो है काम करना बंद कर दे। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD के जो कॉज हैं, किस वजह से ये किडनी डिजीज़ होती है, क्रॉनिक किडनी फेलर होता है, इसमें जो पहला सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है और हाई डायबिटीज़ है, उसका शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है तो ये जो है किडनी को डैमेज करता है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो वो भी किडनी को डैमेज करता है। किसी को हार्ट डिजीज़ हो, दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ये हार्ट डिजीज़ भी जो है एक फैक्टर है किडनी फेलर का या किडनी को डैमेज करने का। अगर हमारी फैमिली के किसी मेंबर को किडनी की प्रॉब्लम रही हो पहले, उसके बाद जो है जो लोग 60 ईयर्स से अबाव हैं, जिनकी एज जो है 60 साल से ऊपर है, उसमें भी चांस रहते हैं किडनी फेलर के या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के। इसके बाद जो है कुछ मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन लेने से भी हमारी किडनी डैमेज हो जाती है, जैसे कुछ पेन किलर्स हैं। और लोगों को क्या होता है कि उनके दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ या बॉडी में कहीं भी दर्द हुआ, उन्होंने पेन किलर बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके और पेन किलर खा लिया। लेकिन इस तरह से जो है पेन किलर्स नहीं खाना चाहिए, ये हमारे डायरेक्टली जो है किडनी को डैमेज करती हैं और आगे चल के हमें प्रॉब्लम होती है। या फिर कुछ बीमारियाँ जैसे टाइफॉइड,
या ट्यूबरक्लोसिस, इसकी जो मेडिसिन हैं वो भी किडनी को डैमेज करती हैं, किडनी को फेल कर देती हैं। अब इसके बाद है प्रिवेंशन, कैसे हम अपनी किडनी को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी किडनी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल, जितने भी टॉक्सिन्स हमारी किडनी में हैं वो किस तरह से रिमूव हों और हमारी जो किडनी है प्रॉपरली फंक्शन करे। इसमें जो सबसे पहला है वो अपना जो, अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो हमें अपने डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए। डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, उसको जो नॉर्मल रेंज है उसी में रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर डायरेक्टली जो है हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट करता है और किडनी को डैमेज करता है। हमें अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखना चाहिए, फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल वर्क बहुत ही ज़रूरी है। एक जगह जो बैठ के काम करते रहते हैं पूरा दिन और कई कई घंटे तक काम करते हैं, तो इससे भी जो किडनी डैमेज होती है। हमें जनरली हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉकिंग जिसको कहते हैं, तेज़ तेज़ कदमों से चलना, इस तरह की कोई ना कोई फिज़िकल वर्क या फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। डाइट में भी हमें इस तरह की डाइट लेना चाहिए जिसमें फ़ैट और सॉल्ट जो है वो कम हो। ज़्यादा फैटी आइटम, स्पाइसी आइटम्स या फिर सॉल्टी आइटम्स हमें नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा स्वीट्स, मिठाई, मीठी चीज़ों का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको टोबैको, तंबाकू खाने की आदत है तो ये आदत को बिल्कुल छोड़ दें, तंबाकू खाना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल लेना बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि टोबैको, तंबाकू और अल्कोहल जो है ये किडनी को डैमेज करती हैं और इनका जो है हमारी किडनी पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप ओबीज हैं, आपका वेट जो है ज़्यादा है, तो अपने वेट को है कंट्रोल करें, उसको कम करें, क्योंकि वेट ज़्यादा होना भी एक फैक्टर है किडनी डैमेज का या किडनी पे इसका जो है बुरा असर पड़ता है, और ये धीरे धीरे जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD कन्वर्ट हो सकता है। अगर किडनी की प्रॉब्लम है या हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें ये बीमारी है, क्योंकि शुरू शुरू में इसके कोई सिम्टम्स बॉडी में दिखाई नहीं देते, लेकिन जब इसका पता चलता है जब तक जो है बहुत ही ज़्यादा किडनी को डैमेज हो चुकी होती है। क्योंकि जो किडनी का जो फंक्शन है वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है, जैसे क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड और यूरिया। अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो उससे पता चल जाता है कि हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं। तो ब्लड टेस्ट में जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब हमारी जो किडनी है वो वेस्ट मटेरियल जो क्रिएटिनिन है उसको कितना फिल्टर कर रही है, फिल्टर कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इसको टेस्ट कराएंगे, आप ब्लड से टेस्ट कराएंगे और क्रिएटिनिन का लेवल देखकर पता चल जाएगा कि किडनी जो है प्रॉपरली वर्क करती है या नहीं करती। अगर हेल्दी किडनी है तो उसमें जो है EGFR जो है 60 से जो है ज़्यादा होना चाहिए। अगर 3 महीने तक आप देखते हैं कि EGFR जो है आपका 60 से कम है, तो इसका मतलब जो है आपके जो किडनी है वो प्रॉपरली जो है वर्क नहीं कर रही, और हो सकता है कि आपकी आगे चल के किडनी डैमेज हो जाए और किडनी फेलर हो जाए। दूसरा जो टेस्ट है वो है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारी किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। यूरिन टेस्ट में जो है मेनली जो प्रोटीन और ब्लड टेस्ट से पता चलता है। अगर आपके यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब जो है आपके किडनी में कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, ये भी एक साइन है किडनी डिजीज़ का। तो अगर यूरिन टेस्ट आप कराते हैं, पेशाब टेस्ट कराते हैं, उसमें प्रोटीन और RBC या ब्लड आता है, तो ये इससे पता चलता है कि हमारी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये मैंने आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में बताया, उसके कॉज बताए, सिम्टम्स बताए, किस तरह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं ये बताया। लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है किसी को और उसकी जो किडनी है पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, कम काम कर रही है, और वेस्ट मटेरियल जो है उसकी बॉडी से पूरी तरह से रिमूव नहीं हो रहा, और ये वेस्ट मटेरियल जो है उसकी बॉडी के अंदर ही रह रहा है, जिससे कि दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज हो रहे हैं, जिससे कि उसकी बॉडी में पानी भरना, सूजन आना और सांस लेने में परेशानी होना, ये सब जो है प्रॉब्लम होने लगती हैं। अगर इस तरह की कंडीशन आपको है तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस आती हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और जैसे मैंने एक अपने वीडियो में बताया, हमारा जो होम्योपैथिक कम्बिनेशन फार्मूला है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए, उसमें जो है बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिंस हमने मिक्स करके बनाया है। मेडिसिंस आपकी जो किडनी है उसको रिपेयर करके, रिस्टोर करके और डिटॉक्सिफाई करेगी, और आपकी जो किडनी में जितनी भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
ये मेडिसिन आपको हमारे जो क्लिनिक पर ही मिलेंगी, उसके लिए आप मुझे मैसेज, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ जनरल मेडिसिन बताता हूँ जो कि किडनी प्रॉब्लम में जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। ये अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल मेडिसिन है, इनका जो है हर पेशेंट पे पूरी तरह से जो है इक्वली जो है इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसमें जो पहली जो मेडिसिन है वो थूजा जो है किडनी डिजीज़ में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। चीमाफिला अम्ब्लेटा एक मेडिसिन आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो किडनी डिजीज़ में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। उसी में हम कैन होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है किडनी डिजीज़ में। आर्निका जो है बहुत इफ़ेक्टिव है किडनी डिजीज़ में। उसके बाद टेरेबिंथीना, कैंथेरिस, ये दो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव हैं किडनी प्रॉब्लम में। अगर कोई किडनी कॉम्प्लिकेशन है तो ये बहुत ही इनका अच्छा रिजल्ट जो है किडनी पर पड़ता है। इसके बाद एसिडम नाइट्रिकम और एसिडम पिक्रिकम, ये दो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट इनका किडनी के ऊपर होता है, लेकिन ये जनरल मेडिसिन हैं। आप अगर अपने प्रॉपरली अगर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो हमारा होम्योपैथिक कम्बिनेशन फार्मूला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन से मिलाकर बनाया गया है, जो आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी आपके सिम्टम्स हैं तो वह हर सिम्टम्स को कवर करती हैं और आपको पूरी तरह से किडनी को क्योर करती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना जो है डिटेल भेजना पड़ती है, जिसको सिम्टम्स के हिसाब से मैच करके हम मेडिसिन बताते हैं, जो वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD, उसके कॉज, सिम्टम्स, उसका प्रिवेंशन और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मेरे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।